दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग 10 आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक में वो चंदे के पैसे एकठे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है प्रियंशा जोरा उनके भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं व ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी खराब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूटूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन खास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामा के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र झड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि प्रदा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है प्रियंशा जोरा वो उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू ऐफन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है ए तो बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र झड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक़ा में वो चंदे के पैसे एकठे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है जोरा वो उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उससे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूटूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फ़िल्म आपको यूटूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूटूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फ़िल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या यह मूवी टी वी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रिजनंदर काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन खास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये, वोड़ा। तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामा के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र झड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है जोरा वो उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उससे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ़िलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है ए तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टिकेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जढ़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिरत जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक़ा में वो चंदे के पैसे एकठे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है प्रियंशा जोरा वो उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं व ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिटू ऐफन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उससे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूटूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ 6.2 की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देख शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामा के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का शारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्दत जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है जोरा वो उनके भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो लाकर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूटूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूटूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टिकेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयामू से आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्जत जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है, है प्रियंशा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है बुला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई ही बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फ़िल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूटूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फ़िल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है इत बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन खास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामा के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का शारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्दत जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकट करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है, है जोरा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो लाकर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूटूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूटूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ़िलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि यह भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र झड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फरदत जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है प्रियंशा जोरा उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है बुला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई ही बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फ़िल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूटूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फ़िल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूंगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन खास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूटूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का शारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्दा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाके में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है, है जोरा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं वो ला देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफ ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ़िलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टिकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वह स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरे मुझसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्दा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है प्रियंशा वो उनके भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं व कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूटूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी वी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन खास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्दा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी यानी कि शर्मा है, है जोरा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ़िलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टिकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वह स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फर्दा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है वो उनके भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैग हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है व ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उससे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूटूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती है नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टन आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देख शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामों के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वह सरयामू से आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिरदा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाके में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है जोरा वो उनके भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह वे लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लामैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूटूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फिल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है ए तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पर दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम से आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक़े में वो चंदे के पैसे एकठे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है प्रियंशा वो उनके भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी खराब सीन मूवी के अंदर नहीं है फ़िल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूटूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फ़िल्म आपको यूटूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूटूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टन आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड का में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामों के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सारदिग भी है सारगिक है और वह स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिरदा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाके में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है जोरा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फेंक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फिल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है ए तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूट्यूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्दिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिरदा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फ़िल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूटूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूटूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़िल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देख शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ हैं और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामा के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्गिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वह सरया मुँह आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपये से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है प्रियंशा जोरा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फेंक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ़िलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है ए तो सी बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरेंद्र काला टेकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि यह भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र झड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिरदा जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक़ा में वो चंदे के पैसे एकठे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है प्रियंशा जोरा वो उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उससे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूटूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूंगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी वी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है तो सी बात यह मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई एम रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजेंद्र काला टीकू तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको YouTube पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर ये भी बनते हैं कि ये भी फ़िल्म आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामा के गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र जड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सार्गिग भी है सारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज़ से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक, एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वह सरया मुझसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इजहार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाक में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है जोरा वो उनको भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फेंक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वह सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसकी बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे है वो ला देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू आईफोन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उसे प्यार करने लगती है नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर कर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है और आज हम एक और कमाल की रोमांटिक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं साथ ही में ये मूवी कहाँ पर और कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे क्या ये मूवी टी पर आती या नहीं और यूट्यूब पर कब तक आएंगी वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस फिल्म का नाम दोस्तों है ए बात ये मूवी 2022 में आई थी और फिल्म के अंदर रोमांस और कॉमेडी हमें देखने को मिली थी इस फिल्म की आई रेटिंग टर्न आउट ऑफ सिक्स की है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदनान अली ने जो कि एक गज़ब के डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में तो नहीं दी है ये उनकी पहली ही फिल्म है लेकिन ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की है हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिल्म की कोई शॉर्ट वीडियो देख ली होगी या फिर रील्स देख ली होगी और वही देखकर शायद इस फिल्म को आप देखने जा रहे हैं इस फिल्म के लीड कास्ट में गायत्री भरद्वाज उपेंद्रा जदावत मुस्कान आकाश आहूजा दुर्गेश कुमार फरीदा जलाल ब्रजरंद्र काला टेको तलसानिया सोनाली सचदेव अतुल श्रीवास्तवा प्रियंशा जोरा नीरज सूद सपना सांद ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और दोस्तों सभी ने वाकई बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म में किया है लेकिन ख़ास बात यहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है इसकी रहती है अगर आप इस मूवी को हिंदी में दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस शानदार फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको इस फिल्म को यूटूब पे दोस्तों देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एन एच स्टूडियोज़ है और वो वैसे तो मूवीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ कराते रहते हैं और काफ़ी चांस यहाँ पर यह भी बनते हैं कि यह भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है इसका लगभग रन टाइम जो है पूरे दो घंटे का भी नहीं है लगभग इसका रन टाइम एक घंटा और पचास मिनट के आसपास का बताया जा रहा है अगर कहानी के दोस्तों बात की जाए तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से जहाँ पर पाँच चुनार नामक एक गाँव में बिट्टू शुक्ला यानी कि भूपेंद्र झड़ावत रहते हैं जो कि एक फाका मस्ती में रहने वाला लड़का होता है और कामकाज के मामले में वो पिछड़ी है मगर क्रिकेट में विराट कोहली का सारदिग भी है शारगिद है और वे स्कूल के ज़माने में ही जो सपना यानी कि गायत्री भरद्वाज से प्यार करता है मगर अपने दिल की बात उसे कभी कह नहीं पाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अगर वह एक एक तरफ़ा प्यार जो है सपना को आईफोन गिफ्ट कर देता है तो वे सरयाम उसे आई लव यू कह देंगी ऐसा मतलब वो लड़की बोल रही होती है बस फिर क्या था बिट्टू एक सच्चे आशिक की तरह ही अपनी प्रेमिका के मुंह से प्यार का इज़हार करवाने के लिए वह तरह तरह के पापड़ बेलता है और बिट्टू का भोलापन तो देखिए कि उसे पता नहीं था कि आईफोन लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो सबसे पहले वह अपनी दादी यानी कि फिर जलाल के गुल्लक तोड़ता है जिसमें से कुछ हज़ार रुपये निकलते हैं फिर वही यार दोस्तों से उधार लेता है और क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगाने में कोशिश करता है और उसे जो है वो उसके बहाने मुस्लिम बहुत इलाका में वो चंदे के पैसे एकटे करता है और सपना को चाहने वाले लड़के की जो विकी है यानी कि शर्मा है जोरा वो उनका भी मतलब मार खाता है और असल में दिल फैक हैंडसम विकी आकर्षक गिफ्ट देकर लड़कियों को पटाने में माहिर है और यहाँ बिंदु पैसे जमा करने के लिए विराट के ऑटोग्राफर वाले अपने क्रिकेट के बल्ले को भी बेच देता है इसके बावजूद जब वे सवा लाख एक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बहन अपनी शादी के लिए रखे गए जो पैसे हैं वो ला कर देती है ताकि भाई को उसका प्यार मिल सके और असल में बिट्टू की बहन शादी मोटे दहेज के कारण नहीं हो पा रही थी और क्या बिट्टू ऐफन ले पाता है या नहीं और क्या सपना भी उससे प्यार करने लगती या नहीं इन सभी सवाल के जवाब आपको तभी मिलेंगी जब दोस्तों आप इस फिल्म को देखेंगे इस फिल्म का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है काफ़ी सारे कॉमेडी सीन हैं और एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी हालांकि मैं तो इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ये फ़िल्म मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी और इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे दृश्य है जो कि बार बार देखने का मन करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक सीनेमाटोग्राफी कमाल की है जो कि आपको कहीं पर भी दोस्तों निराश नहीं करती है कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं वैसे तो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं कोई भी ख़राब सीन मूवी के अंदर नहीं है फिल्म वाकई बहुत ही बढ़िया है अगर आपको इस फिल्म को दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक ये मूवी यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाए और बहुत जल्दी ही ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो है वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है आप इस फिल्म को जो है वो एक बार ज़रूर देखिएगा काफ़ी कुछ आपको इस मूवी से सीखने को मिलता है अगर आप भी किसी लड़की से वन साइड लव करते हैं तो फिर तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मालूम पड़ने वाला है जो कि शायद आपके काम आ सकता है तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देखिए आपको फ़िल्म कैसी लगती है क्या मूवी के अंदर आपको अच्छा लगता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ़िलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं आई है लेकिन आएंगी तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा